मैं दिशा कुमारी मीना, मैं कक्षा 3A में पढ़ती हूँ। मेरे रोल नंबर 25 है। मेरी स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इम्फाल है। मेरे पापा आज मुझसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। ओके दिशा, मैं आज आपसे हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा, जो प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित होंगे। आप उनका सही उत्तर देना। मैं आपसे कुछ परिभाषाएं पूछूंगा। ओके ओके। अच्छा, सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा बताओ। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ओके, वेरी गुड, सही उत्तर दिया है आपने। अच्छा, ये पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों की अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप में एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। और बहुवचन? शब्द के जिस रूप में अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। अच्छा, ये स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। और पुल्लिंग? जो शब्द स्त्री पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहा जाता है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये मुहावरा क्या है? विशेष अर्थ देने वाले वाक्यों को मुहावरा कहते हैं। ओके, वेरी गुड, आपने सभी परिभाषाएं अच्छे से बताई हैं और सही उत्तर है आपका। धन्यवाद।